फॉर्म नंबर 4 मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ काउज ऑफ डेथ। इस फॉर्म को बिना गलती किए हुए कैसे भरेंगे, अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना तो वो कहां से कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम भरना है जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे पटना मेडिकल कॉलेज जिसको पीएमसीएच बोलते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अगर इस अस्पताल में मृत्यु हुई है जिस अस्पताल का आप यहाँ पे नाम लिखे हैं तो उस अस्पताल में कितने वार्ड नंबर में मृत्यु हुई है वो वार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कितने तारीख को मृत्यु हुई है वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। कितने बज के कितने मिनट में मृत्यु हुई है वो यहाँ पे टाइम आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आते हैं तो नेम ऑफ डिक्रीज, जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम उनके आधार कार्ड पे किस तरीके से है सेम स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो टिक कर लेंगे। उसके बाद उनकी उम्र आधार कार्ड में देख लीजिए कितना उम्र हुआ, मान लीजिए 1 साल से ऊपर उम्र है तो इस बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। 1 साल से ऊपर है तब, मान लीजिए 2 साल है, 4 साल है, 50 साल है, 70 साल है, वो यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 65 साल यहाँ पे लिखा है। अगर मान लीजिए 1 साल के कम उम्र में ही मृत्यु हो गया 1 साल के अंदर तो यहाँ पे लिख देंगे महीना में, मान लीजिए 9 महीना, 6 महीना, 10 महीना में मृत्यु है तो 10 मंथ लिखेंगे, 9 मंथ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 महीने के अंदर मृत्यु हुई है, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 दिन के अंदर मृत्यु हुई है, जन्म हुई 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद मृत्यु हुई है तो यहाँ पे आपको घंटे में लिखना पड़ेगा, 1 आवर, 2 आवर्स, 10 आवर्स, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आपको भरना है, मैंने यहाँ पे भर दिया 65 साल, ठीक है। काउज ऑफ डेथ, जो मृत्यु हुई है वो किस कारणों से मृत्यु हुई है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हार्ट फेलोर, यानी हार्ट फेल हो गया इनका और इनकी मृत्यु हो गया, तो जो भी आपका रीजन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड डेथ अप्रोक्स, यानी जब आदमी को एडमिट कराते हैं अस्पताल में और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बीच कितना दिन का डिफरेंट रहा। मान लीजिए अगर 13 तारीख को इनको भर्ती कराए और 20 तारीख को मृत्यु होगी तो 7 दिन का यहाँ पे डिफरेंट आया, तो 7 डेज मैंने लिख दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ के लिखना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना, इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। नीचे आते हैं तो मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, तो यहाँ पे समझिए नेचुरल है, मतलब प्रकृति के द्वारा मृत्यु हुई है, ठीक है, अचानक, तो इस पर आपको टिक करना है। एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है तो इस पर टिक करेंगे, कोई सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए तो इस पर टिक करेंगे। होम साइड, किसी ने उनको मार दिया, ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई सुसाइड हो गया या फिर आत्महत्या कर लिए या फिर कोई उसको मार दिए तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया है जो किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई है तो उस कंडीशन में आप इस पर टिक करेंगे। इसके अलावा कोई महिला है जो मतलब समझ जाइए डिलीवरी पेशेंट थे वो, तो उनकी मृत्यु हुई है तो उस कारणों से आप यहाँ पे इस पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से नीचे आते हैं तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आते हैं फिर से मृतक का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनके मृतक के जो भी है हस्बैंड, मैंने यहाँ पे लेडीज़ का नाम लिखा तो उनके हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिखेंगे, अगर कोई मेल है यानी पुरुष है तो उनके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके अलावा आरओ में उनका पूरा पता जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, विलेज, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्ट ऑफिस, वो लिखेंगे। यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने पूरा नहीं लिखा, बाकी आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। इसके अलावा किस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है जो आप यहाँ पे लिखे होंगे सेम आप यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है, और कब उनकी मृत्यु हुई है वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर मोहर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप बिना गलती किए हुए भरेंगे। अब यहाँ से बात करते हैं इस फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए गूगल में यहाँ पे आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गूगल में आएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना, मैं आपको ले चलता हूँ, टाइप करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद ये लिखेंगे SUJET सुजीत 1 भी आपको लिखना है, सर्च करेंगे पहले वाले वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डेथ लिखेंगे, उस पर यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सर्च ले चुका है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर 2024 यहाँ पे लिखा रहा है, तो इसी वाले पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसने फॉर्म नंबर 4 का ऑप्शन दिया, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इजिली आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से इस तरीके से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।